केस दबा देते हैं, विटनेसेस को मरवा देते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो देवी हैं, घर की लड़कियां देवी होती हैं, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना, पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा ऑनर है इंडियन एयरफोर्स के साथ में जुड़कर इस काम करने का, अभिनंदन जैसे एक फोक हीरो को पर्दे पर लाने का एक मौका मिल रहा है। अगर मैं कह दूंगा तो कोई और बना देगा, कोई मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का एक्टर है नहीं जिसने हर भाषा में एक फिल्म की हो। चलो अच्छा बच्चा है इसे काम दे दो, वो आजकल नहीं होता क्योंकि स्टेक्स सो हाई। आई थिंक मैं पूछना चाहूँगा फिर किसके समय में थी। एक नेता हो, अभिनेता हो, एक रिपोर्टर हो, पुलिस वाला हो, इन सब की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन हम सब समाज का एक अंश हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक समाज की जिम्मेदारी है। हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना है आने वाले कल के लिए भी। मैं खुद एक बाप हूँ, मुझे डर लगता है जब मैं ये सब चीज़ों के बारे में सुनता हूँ। कैसे एक सिस्टम, एक सोसाइटी को सेफ रखना है बहुत ज़रूरी है, और मुंबई से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये जो शहर है मुंबई, बहुत सारी लड़कियाँ जब रिस्पॉन्ड करती हैं, रिएक्ट करती हैं, मैं भी शॉक हो जाता हूँ जब बोलती हैं कि यार दिल्ली में तो हम इतने बजे रात को इस तरह घूम ही नहीं सकते, आपका मुंबई बहुत सेफ है। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। और ऐसे जितनी भी शहरों के बारे में पॉजिटिव बातें आती हैं, इन सब चीज़ें सीख के पूरा देश सेफ होना चाहिए, हर गाँव सेफ होना चाहिए। ये हम कैसे अचीव करेंगे एज अ सोसाइटी, दिस इज अ क्वेश्चन वी हैव टू आस्क अवरसेल्व्स। देखिए नॉर्मली मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो होती हैं या सिस्टम के बाहर जो एनकाउंटर्स होते हैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है कि इस तरह का जब हादसा होता है और होते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर ज़रूरी है न्याय देने के लिए। और ऐसे राक्षसों के मन में, दिल में भय पैदा करने के लिए आज सिस्टम की आड़ में बहुत सारे लोग बच के निकल भी जाते हैं, और एक जो पकड़ा जाता है उसके बदले में शायद 5 शायद 10 लोग खुले घूम रहे हैं, बेल पर घूम रहे हैं, केस दबा देते हैं, विटनेसेस को मरवा देते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो चाहे वो कितना पावरफुल हो, चाहे वो ज़मीन चलता राह चलता आदमी हो। आई थिंक रेप के लिए जस्टिस शुड बी स्विफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट, क्योंकि एक रेप विक्टिम के लिए जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। वैसे भी उसे, उसके साथ जो हादसा हुआ है, उस औरत को उस हादसे के साथ जीवन भर जीना है, और वो बहुत मुश्किल काम है पर्सनली, क्योंकि मैं 11 साल से प्रोजेक्ट देवी पे काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी अच्छी बच्चियाँ हैं, मैं तो शॉक हो जाता हूँ कभी कभी, लगता है कि हम इंसान हैं या हैवान। 5-5, 6-6 साल की बच्चियों को रेप कर देते हैं, और उन बच्चियों को जब हमें उभारना पड़ता है, उस सदमे से बाहर निकालना पड़ता है, उस ट्रॉमा से, तो हमने अपफ्रंट पर्सनली देखा हुआ है कि उनके ऊपर क्या बीतती है, कितना मुश्किल है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे राक्षसों को बख्शना चाहिए। ये जो हुआ है एक बहुत ही पोएटिक जस्टिस हुआ है, क्योंकि सेम स्पॉट पर, सेम टाइम फ्रेम पर जब उन्होंने रेप करने के बाद उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश की, उसी टाइम फ्रेम पर उन्हें वहीं के वहीं उसी दहशत के साथ ख़त्म कर दिया गया। ये एक पोएटिक जस्टिस है। इसके लिए मैं ऑनेस्टली KCR जी और साइबराबाद पुलिस और सजनार जी, जिन्होंने इससे पहले भी वारंगल में एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए इसी तरह का एक एनकाउंटर किया था, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। गुस्सा, आक्रोश, ये सारी चीज़ें होना अच्छा भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन इस पूरी ऊर्जा को कहीं ना कहीं एक दिशा देना ज़रूरी है, वरना बदलाव कभी नहीं आएगा। ऐसे किस्से होंगे, हम अपना आक्रोश दिखाएंगे, शायद एक आध को जस्टिस मिलेगी। सिस्टेमिक चेंज जो है वो आ नहीं रहा, ऐसा लग रहा था कि निर्भया कांड के बाद में एक सिस्टम चेंज हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमीडिएट जस्टिस मिले, जिस तरह से मैं मानूंगा कि ये भी एक इमीडिएट जस्टिस का केस था इस एनकाउंटर का, अगर इमीडिएट जस्टिस मिले तो लोगों में डर और ज़िंदा रहेगा,
दो चीज़ें हैं, एक एज अ सोसाइटी, एक समाज की ओर से हमें भी अपने बच्चों को क्या सीख देनी है, माओं को क्या सीख देनी चाहिए अपने बच्चों को, उस पर बहुत ज़रूरी है सोचना विचार करना। मुझे याद है कि मेरी दादी मुझे बहुत लाड देती थी स्वर्गीय, लेकिन एक बार जब मैंने अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाया, मैं भी खुद बहुत छोटा था, शायद 10 साल का 11 साल का था, तो जितना मैं पिटा उस दिन, ज़िंदगी में कभी उन्होंने नहीं पीटा, और उन्होंने कहा कि देवी है, घर की लड़कियां देवी होती हैं, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना। तो कहीं एक बात इतने यंग एज में वो रह गई कि लड़कियां एक देवी हैं, हाथ नहीं उठा सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं संस्कार संस्कृति, ये घर पे डालना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम के चेंज में फास्ट ट्रैक कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। लॉज बहुत हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन तेज़ी से अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। जितना हम सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से एक अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा। मुझे मेरे देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है, मैंने कभी कमियों को देखा नहीं। मैंने हमेशा जो ईश्वर ने दिया उसे पूरी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करके एक शुक्रिया किया, और आज भी उसी विचारधारा के साथ चलता हूँ मैं। ऊपर वाला जो देता है उसे एक्सेप्ट करो, उसे उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनमें इतना टैलेंट है, मुझसे कई ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनका टैलेंट उभर के सामने ही नहीं आता। मैं कई एक्टरों को देखता हूँ, थिएटर में देखता हूँ, कभी कुछ मेरे साथ जब स्ट्रगल कर रहे थे उन दिनों से, उनको मौका ही नहीं मिला। ईश्वर ने कम से कम मुझे एक मौका दिया और आज भी मौका देते आ रहे हैं। मैं वो सारे रोल कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। ईश्वर ने इतना सशक्त भी किया है कि पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने शौक़ के हिसाब से काम करता हूँ। और आज इनसाइड एज जैसी एक शो के ऊपर गैम्बल लेने का एक मौका मिला, और पोजीशन भी इतनी एम्पावर्ड थी कि मैं कर सकता था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, करके देख लेते हैं एक बार। कहीं ना कहीं अब लोग बोलते हैं यू आर द फर्स्ट टू डू इट, और उसका एक अलग क्रेडिट मिलता है, एक अलग श्रेय मिलता है, उसी में भी एक खुशी है। अब इनसाइड एज 2 आ रहा है और आ चुका है एक्चुअली, और कल रात से जो कंटिन्यूसली फीडबैक मिल रहा है, जो लोग कई ज़्यादा सीज़न 1 से इनसाइड एज सीज़न 2 को पसंद कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है ये सब चीज़ें देखकर। मैं मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, सेटिस्फाइड रहता हूँ। अगर हम अपने आप को शिकार समझने लगेंगे तो हम विक्टिम बन जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी शक्ति क्या है, आप उस पर ध्यान दें। मैं जानता हूँ कि मैं काम ठीक ठाक कर लेता हूँ एज एन एक्टर, कई अवार्ड मिले हैं, कई रिकग्निशन मिला है, उसी पे फोकस कर रहा हूँ। अपने प्रोजेक्ट्स खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देश विदेश के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, राइट्स खरीद रहा हूँ, तो एंजॉय कर रहा हूँ अपनी इस जर्नी को। दिल से इसलिए भी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म के लिए मेरे दिल में एक अलग ही इज्जत है, अलग ही प्यार है, और बहुत बड़ा ऑनर है इंडियन एयरफोर्स के साथ में जुड़कर इस काम करने का मौका मिला, ये काम करने का। अभिनंदन जैसे एक फोक हीरो को पर्दे पर लाने का एक मौका मिल रहा है, तो बहुत बड़े पैमाने पर करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त राइटिंग चल रही है, मल्टीलिंगुअली कर रहे हैं, कुछ बड़े नाम एसोसिएट हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल टेक्नीशियंस एसोसिएट हुए हैं जिन्होंने ऑस्कर्स भी जीते हैं VFX वगैरह में, तो धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेहनत पे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। हिंदी तमिल तेलुगु तो पक्का है, अभी तो बहुत अर्ली है ये सब बातें करने के लिए, लेकिन सही समय पर इसके एक सही तरीके से एक अनाउंसमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियली हम देखें तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, फिल्म चली और चल सकती थी, पिक्चर अच्छी थी, बहुत लोगों ने बहुत सराहा, कई जगह स्टैंडिंग ओवेशंस मिली फिल्म को, लेकिन क्या हुआ कि एक रात पहले रिलीज से, जब सब कुछ तैयार था, रेडी था, पहली बार ऐसे हुआ कि एक इलेक्शन कमीशन ने फिल्म को रिलीज़ होने से रोक दिया,
और उससे बहुत सारी रिपल इफेक्ट्स आ जाती हैं। लोग बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, जैसे स्क्रीन्स। अगर आपके पास स्क्रीन्स ही नहीं है तो आप रिलीज़ कैसे करेंगे? अगर आपके पास आप सपोज 100 स्क्रीन में रिलीज़ कर रहे थे, लेकिन अब आगे चले गए, दूसरों की रिलीज़ शेड्यूल्स आ गई हैं, अब उसमें आपको 100 के बदले में 25 ही मिल रही हैं, 30 ही मिल रही हैं, और आपको चाहिए कम से कम, जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो कम से कम 2 हफ्तों को ही करते हैं कि भाई 2 वीक्स के लिए मेरी फिल्म को एक सस्टेन करने के लिए या पिकअप करने के लिए एक मौका मिले। जब आपके पास 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए स्क्रीन अवेलेबिलिटी होती है, और दूसरे फिल्मों का वैसे भी पहले से शेड्यूल बना हुआ है, और आपने अपना जो है नंबर जो है आपका कतार में जब आप थे, आपको वहाँ से हटना पड़ा, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जो हो गया, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी अनोखी रूलिंग की जो आज तक कभी हुई नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें थी, आई थिंक इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। उसके बावजूद जितनी सराहना मिली और फिल्म ने जो बिज़नेस किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मेरे दिल को छू जाती हैं और मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, बनाना चाहिए। लेकिन मैंने 3 प्रोजेक्ट साइन कर दिए हैं, अगर मैं कह दूंगा तो कोई और बना देगा। नहीं, मेरा एक मन था कि साउथ की एक एक भाषा में एक एक फिल्म ज़रूर की जाए, क्योंकि मैंने जब पता किया तो कोई मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का एक्टर है नहीं जिसने हर भाषा में एक फिल्म की हो, तो मुझे लगा कि एक तेलुगु, एक तमिल, एक कन्नड़, एक मलयालम करना है। तो करीबन 2 साल पहले मैंने जब ये डिसीजन लिया और अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, एक्टिवली मैंने उसको परस्यू किया, तो शूट अलग अलग समय पे हो, रिलीज़ अलग अलग समय पे हो, और लास्ट जो रिलीज़ हुई थी लूसिफर, वो आई थिंक मलयालम की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हिट रही। आई थिंक 250 करोड़ रुपये का बिजनेस किया पिक्चर ने। बोल्ड काम जो है वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा व्यू है, ये काम जो है वो कहीं किस्मत है। कई बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो घर बैठे हैं, 20-20 साल से घर बैठे हैं। कई लोग हैं जिनको अच्छे एक्टर माना नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो इतने बिजी हैं कि उनके पास डेटा ही नहीं है। तो काम आई थिंक किस्मत से रिलेटेड होता है, बाकी हम हेल्प कर देते हैं, मेहनत कर देते हैं। प्रोफेशनलिज्म जो है एक फिल्म इंडस्ट्री का, वो तो है, और उसी प्रोफेशनलिज्म के ज़रिए से सभी को काम मिलता है। पहले जो एक ज़माना हुआ करता था, मेरे पिताजी का फॉर एग्ज़ाम्पल, कि भाई चलो अच्छा बच्चा है, इसे काम दे दो, वो आजकल नहीं होता, क्योंकि स्टेक्स सो हाई। कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं एक कास्टिंग भी, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं आज जो प्रोफेशनली करते हैं, डायरेक्टर की एक अपनी सोच होती है कि नहीं मुझे ये चाहिए या नहीं ये नहीं चाहिए, तो वो फ्रीडम और लिबर्टी भी आपको देनी पड़ती है, नहीं तो लोग बोलते हैं कि एज अ प्रोड्यूसर यू आर नॉट प्रोफेशनल। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को एम्पावर करें, मदद करें, हेल्प करें, उभरते हुए टैलेंट को सराहें, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें।